बेचू बाबा स्थित किसान नेता के घर पर सुबह सवेरे ही लगा पुलिस का सख्त पहरा। किसान नेता को घर में ही किया गया नज़रबंद। श्रावस्ती जनपद के एकौना इलाके के बेचू बाबा मोहल्ले का पूरा मामला है, जहां पर निवर्तमान मंडल अध्यक्ष विनोद शुक्ला के आवास पर सुबह सवेरे से ही भारी तादाद में पहुंची पुलिस ने उन्हें उनके आवास पर ही नज़रबंद किया। इस बारे में जब विनोद शुक्ला से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आज कुछ कार्यक्रम थे, जिसे देखते हुए सुबह सवेरे से ही उनके आवास पर भारी तादाद में पुलिस लगा दी गई है। आज क्या कार्यक्रम है, बड़ी फोर्स लगी हुई है। जुल्मी कितना जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे में, और चप्पा चप्पा गूंज रहा है इनकलाब के नारों से। आप देख लीजिए किस तरह से ये डरी हुई लोकतांत्रिक सरकार, मोदी और योगी की सरकार किस तरह से डरी हुई है कि लगातार किसान नेताओं को नज़रबंद करके, उनके घर के चारों तरफ पहरा करके, किसान नेताओं को बाहर ना निकलने देने का जो कुचक रचा जा रहा है, ये किसानों की आवाज़ इससे दबने वाली नहीं है। अब इस देश का किसान, ये जो लड़ाई हमारी चल रही है, पूरे गांव गांव तक की लड़ाई हो गई है। किसान अपने हक की बात करने के लिए निकला है, किसान अपना हक और अधिकार लेकर ही रहेगा। जो जो साहिब मसनद हैं, वो जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। हम आपके माध्यम से इस देश की सरकार को बताना चाहते हैं कि इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से पुलिस का सहारा लेकर कितने दिन तक तुम किसानों की आवाज़ को दबाओगे, और इस पुलिस के बल पर तुम्हें सत्ता हासिल थोड़ी ना होगी। हमारे वोट से चुनी सरकारें चुनी जाती हैं, अगर इस तरह से अलोकतांत्रिक काम करोगे तो आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के बीरपुर इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विसर्जित हुई देर रात तक दुर्गा प्रतिमाएं। जिले में चल रहे दुर्गा पूजा महोत्सव कार्यक्रम में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के साथ यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रमुआपुर चौकी प्रभारी सत्येंद्र नारायण राय व उनके पुलिस कर्मियों के द्वारा दुर्गा प्रतिमाओं के कार्यक्रम स्थल से शोभा यात्रा निकाली गई, जिन्हें पारंपरिक रास्तों से विसर्जन स्थल तक ले जाया गया, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच में आदिशक्ति को जलाधिवास कराया गया। जिले में शुक्रवार को सुबह सवेरे से ही जगह जगह जुलूस निकालकर देर रात तक उनका विसर्जन किया गया। इसी क्रम में मॉडर्न थाना श्रावस्ती इलाके के बीरपुर इलाके में भी गाजे बाजे के साथ माता जगदम्बा की सवारी निकाली गई, जिसे परंपरागत मार्गों से होते हुए बलुहा घाट नदी के पुल पर ले जाया गया, जहां दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। वहीं शिवपुर बनकट, तिलकपुर, परशुरामपुर, नरपतपुर, बेलहा राघव और बीरपुर चौराहे, इंदिरानगर चौराहे, दरबारी पुरवा आदि क्षेत्रों की दुर्गा प्रतिमाओं को बलुहा घाट नदी सहित अन्य विसर्जन स्थलों को ले जाया गया, जहाँ पर माता रानी का जलाधिवास किया गया। इस दौरान भक्तों का रेला अबीर गुलाल उड़ाते हुए उनके साथ चला। सुरक्षा व्यवस्था के लिए भारी तादाद में यहां पर पुलिसकर्मियों की तैनाती दिखाई पड़ी। देर शाम तक माता रानी का विसर्जन चलता रहा। इस दौरान नगरवासियों ने जगह जगह आरती की थाल सजाकर मां आदिशक्ति की आरती की। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। भारतीय किसान यूनियन के प्रदर्शन और ज्ञापन के कार्यक्रम को रोकने के लिए भारी तादाद में भुजौन पुरवा में निवर्तमान तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा के आवास पर लगाया पुलिस ने सख्त पहरा। श्रावस्ती जनपद के एकौना इलाके के भुजौन पुरवा की यह तस्वीर, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के निवर्तमान तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा के आवास पर सुबह सवेरे से ही पुलिस ने सख्त पहरा लगाकर उन्हें घर में ही कैद कर रखा। एकौना इलाके के भुजौन पुरवा की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर भारी तादाद में निवर्तमान तहसील अध्यक्ष सोम शर्मा के आवास पर सुबह सवेरे से ही पुलिसकर्मी तैनात हैं और उन्हें उनके आवास पर ही रोका गया है। आपको बता दें, आज भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यक्रम था। सुबह यहाँ लगभग वही 5:30 बजे पुलिस आ गई है। क्यों वैसे? अब पुलिस से पूछा जाता है लेकिन कुछ बताने को तैयार नहीं है। आज कोई कार्यक्रम था आप लोगों का? आज हमारा जो है पुतला दहन का जो है कार्यक्रम था, संयुक्त मोर्चा के आह्वान पे आज तहसील इकौना में जो है 1 बजे पुतला दहन का कार्यक्रम था, 1:30 बजे ज्ञापन का समय था,
महामहिम राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन था कि अजय मिश्रा जो है जो केंद्रीय राज्य गृह मंत्री है उसका बर्खास्त हो और कृषि काले कानून वापस हो। इसी सब मुद्दों को लेकर के आज दोपहर जो है 1:30 बजे ज्ञापन का समय था। ये हमारा कार्यक्रम तहसील में था। कल नहीं 14 तारीख को ही SDM और क्षेत्र के जो है हमारे थाना इंस्पेक्टर साहब के सामने बातचीत भी हुआ था कि हम शांतिपूर्वक कार्यक्रम करेंगे, लेकिन यह कार्यक्रम हमारा तहसील इकौना के अंतर्गत होगा। उसके बाद ये शासन प्रशासन की कुर रवैया है कि हम लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने नहीं देती है। इसका मुंह तोड़ जवाब हम 2022 में योगी सरकार को देंगे। सीताद्वार में नव युवक रामलीला कमेटी के द्वारा बीती रात रामलीला कार्यक्रम का किया गया आयोजन। लंका दहन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सावसी जनपद के इकोना इलाके के सीताद्वार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बीती रात अंतिम बार रामलीला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बीती रात लंका दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज यहां पर दशहरा का आयोजन होगा। इकोना इलाके के सीताद्वार की ये तस्वीरें हैं, जहां पर भारी तादाद में रामलीला देखने के लिए दर्शक मौजूद रहे। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के सीताद्वार की ये तस्वीरें, जहां पर बीती रात लंका दहन कार्यक्रम का आयोजन रामलीला मंचन के माध्यम से किया गया, जिसे देखने के लिए भारी तादाद में लोगों का जमावड़ा दिखाई पड़ा। इकोना इलाके के सीताद्वार स्थित रामलीला कमेटी की ये तस्वीरें। कुत्ते और बंदरों के काटने से 30 लोग पहुंचे इकोना अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आए हुए लोगों को लगाया रेबीज का इंजेक्शन। इकोना इलाके में कुत्ते और बंदरों का आतंक लगातार व्याप्त है, जिसके चलते भारी तादाद में लोग इनका शिकार बनकर इकोना अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिनमें युवा, बुजुर्ग, बच्चे, मासूम सभी शामिल हैं। आज इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 30 लोग कुत्ते और बंदर के काटने से पहुंचे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें रेबीज का इंजेक्शन देते हुए अगले खुराक के बारे में जानकारी दी। इकोना इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं, जहां पर 30 लोगों ने पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। स्वास्थ्यकर्मियों ने आए हुए लोगों को रेबीज का इंजेक्शन देते हुए अगले खुराक के बारे में जानकारी दी। इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें। उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में इकोना तहसील में समाधान दिवस का हुआ आयोजन। आए हुए लोगों की सुनी गई शिकायतें। श्रावस्ती जनपद के इकोना तहसील सभा कक्ष की तस्वीरें, जहां पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां पर आए हुए लोगों की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। इकोना उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।